सो गाइस, तो देखो फाइनली यार इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, देखो फाइनली फ्री फायर रिटर्न आने की ना कंफर्म डेट निकल के आ चुकी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपने न्यूज भी सुने होंगे लेकिन आपको किसी ने भी कंफर्म डेट नहीं बताई होगी, या तो कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं बताया होगा। लेकिन देखो मैं आपको ना प्रूफ बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बंदे यकीन नहीं करते हैं तो उनके लिए प्रूफ भी होने वाला है कि आखिर कब तक फ्री फायर रिटर्न में देखने को मिलेगी, कौन सी डेट होने वाली है, एंड हाँ गवर्नमेंट आखिर इसको वापस क्यों लाने वाली है, उसका भी रीजन में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है यार, सॉरी। तो वीडियो को ना एंड तक जरूर देख लेना। जो फ्री फायर लवर से ना, मुझे पता ही है कि 90% बंदे ऐसे जो फ्री फायर को रिटर्न में लाना चाहते हैं, यानी कि उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ना, इतनी बड़ी खुशी देने वाला हूँ तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, फ्री फायर को बैन हुए काफी टाइम हो गया। ठीक है, यानी कि करीबन 1 साल होने वाला है, या तो हो भी गया होगा। उसके बाद देखो काफी सारे बंदे डीमोटिवेट हो गए, या तो काफी सारे बंदों को ना बहुत ही बुरा लगा। देखो भाई, मैं भी खेलता हूँ और यार मुझे तो बहुत ही प्यार था, तो मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था। ये तो अच्छी बात है कि फ्री फायर मैक्स तभी के टाइम पे ना अवेलेबल था, वरना तो हम क्या ही करते, यानी कि कौन सा गेम खेलते। लेकिन देखो जब फ्री फायर था ना, उसका रेटिंग करीबन यार 4.2 के आसपास था, या तो उससे भी ज्यादा। लेकिन जैसे ही फ्री फायर बैन हुआ है ना, उसके बाद जो फ्री फायर का जो रेटिंग है ना, मतलब कि फ्री फायर मैक्स का रेटिंग, वो कम ही होता जा रहा है। ठीक है, आजकल के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो वहां पर आपको 3.2 देखने को मिलेगा। ये गेम के लिए काफी बुरी बात है कि भाई इतना रेटिंग है। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता है कि फ्री फायर मैक्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट आते रहते हैं, जिसके कारण ना काफी सारे बंदे फ्री फायर मैक्स को खेलना पसंद भी नहीं करते हैं। एंड हाँ देखो, अब कुछ बंदे कहेंगे कि इसके भाई ये बातें क्यों बता रहे यार, इसका क्या मतलब कि लॉजिक है। तो गाइस देखो, वो सब कुछ आपको पता चलेगा वीडियो के अंदर। ठीक है, और देखो जब फ्री फायर चलता था ना, तब फ्री फायर के अंदर हमें स्पोर्ट्स देखने को मिलता था। जब से फ्री फायर बैन हुआ है, तब से हमें कोई भी इवेंट यानी कि कोई भी टूर्नामेंट या तो कोई भी स्पोर्ट्स देखने को नहीं मिला है। एंड गाइस देखो, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 27 दिसंबर से कि जो स्पोर्ट्स है ना, उसको भी मतलब कि स्पोर्ट्स लेवल की जो कैटेगरी मानी जाती है। ठीक है, यानी कि ये ना एक स्किल होती है। तो गाइस देखो, जैसे कि क्रिकेट या तो हॉकी है ना, उसी तरह से ये ना स्पोर्ट्स को भी मानने लगे हैं। इसका मतलब कि देखो, जो मल्टीप्लेयर गेम है ना, वो भी इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। एंड हाँ देखो, जो बैन हो गए हैं ना, वो भी रिटर्न आने के चांस काफी ज्यादा है। जी हाँ देखो, मतलब कि स्पोर्ट्स है ना, हमारे फ्री फायर के अंदर चलता है, या तो BGMI आप सभी को पता ही होगा, पबजी के अंदर भी चलता है, यानी कि चलता था। ठीक है, अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन जब थे ना तब चल रहा था। एंड हाँ गाइस देखो, तब से ना काफी सारे बंदे कम गेम खेलने लगे, या तो यार उनका स्किल है ना वो डेवलप नहीं हो पाता है। इसके कारण जो गवर्नमेंट है ना गाइस, हमारे जो फ्री फायर या तो BGMI है ना, उसको रिटर्न लाने के बारे में सोच रही है। ठीक है, अभी तक गाइस देखो काफी सारे बंदों ने आपको बोला भी होगा कंफर्म डेट, यानी कि कुछ बंदों ने तो 15 जनवरी बोला था, इसके अलावा ना कुछ बंदों ने 23 जनवरी भी बोला था। लेकिन गाइस देखो, ऐसा झूठ बोलना इनको नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली कन्फर्म डेट निकल के नहीं आया है कि आपको 23 जनवरी या तो 15 जनवरी, वो तो चला गया, लेकिन 23 जनवरी को देखने को मिलेगा, ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं है भाई लोग। जी हाँ देखो, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। एंड हाँ देखो, रिटर्न आएंगे। ठीक है, ऐसे तो कंफर्म हो चुका है। एंड करीबन गाइस देखो, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, करीबन जो कि 1 मंथ या तो 2 मंथ भी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस देखो, इतना तो कंफर्म हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो गेम्स मतलब कि मल्टीप्लेयर गेम, जिसके अंदर गाइस आप लोग ना अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं ना, वो रिटर्न आने के चांस काफी ज्यादा, जैसे कि BGMI यानी कि पबजी, फ्री फायर है ना, वो बैन हुए, तो वो अब आपको रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस देखो, मेरे ख्याल से आपके लिए काफी बड़ी न्यूज होगी। ठीक है, यानी कि कुछ बंदों को बुरा भी लगा होगा कि भाई आपने कंफर्म डेट नहीं बताया। तो देखो यार, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्म डेट निकल के आया नहीं है। अगर देखो मैं आपको बोलूंगा तो भी झूठी बोलूंगा ना, जैसे कि यार ये जनवरी को देखने को मिलेगा, तो फरवरी मंथ के अंदर फाइनल आएगा, ऐसा मैंने आपको नहीं बोला है, क्योंकि देखो यार मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, यानी कि यार झूठ बोल के ना वैसे भी कोई फायदा नहीं है। अब देखो, वैसे भी रिटर्न तो आने वाली है, तो यार गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा न्यूज निकल के आएगा तो मैं आपको फाइनली कंफर्म डेट एंड जो भी कुछ होगा ना लीक्स, वो फाइनली आपको बता दूंगा। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड हाँ गाइस देखो, यहाँ पर मैं फुल एक्टिव रहने वाला हूँ कि जैसे कोई न्यूज आएगी मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। ठीक है, शायद ये वीडियो लेट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार। तो चलो गाइस, बस आज की वीडियो के अंदर आपको इतना ही बताना था। एंड हाँ देखो यार, अब तो आप लोग काफी खुश भी होंगे, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर, बहुत ही जल्द अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल ऑफ गाइस। Till my shadow turns to sun rays and I